7 फीट ऊंच प्रतिमा बनाया गया है सिर्फ 7 दिनों के अंदर स्टार्ट टू एंड। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली गाइस। हाय, दिस इज मी नेहा एंड इट्स माय चैनल एनर शर्मा कोलकाता। आज मैं फिर से आ गई हूँ नया एक वीडियो लेके। हम लोगों के पाड़ा में इस बार 7 फीट ऊंचा प्रतिमा बनाया गया है वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। कैन यू इमेजिन दैट। और मैं उसका पूरा कैप्चर की हूँ, एकदम जैसे जो स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर स्टार्ट होने से लेके पूरा फिनिशिंग तक स्टार्ट टू एंड मैं कैप्चर की हूँ और वही मैं इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ मॉर्निंग स्ट्रक्चर बन के रेडी हो गया है। नेवारी बंध के बॉडी का शेप दिया जा रहा है। ऑलमोस्ट बॉडी शेप बन के रेडी हो ही गया है। होल नाइट करके काम चल रहा है। मैं सुबह उठ के देख रही हूँ कि ऑलरेडी बॉडी शेप बन के उसमें मिट्टी भी नेपना हो गया था। फोर्थ डे है आज। आप लोग सोच रहे हैं कि थर्ड डे कहाँ गया। थर्ड डे में ऐसा ही आइडल को छोड़ दिया गया था धूप में सूखने के लिए। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि माँ का जो बॉडी का मिट्टी है वो सूखा मिट्टी है। और आज फोर्थ डे में माँ का हाथ और जो मुंड माला पहने हुए हैं वो सब लगाया जा रहा है, और ताकि हाथ टूटे ना इसलिए उंगली का जो फेस है यानी कि हाथों का जो प्लम है उसको देखिए रस्सी से बांध दिया गया है ताकि टूट नहीं जाए। मिट्टी जब तक अच्छे से सूख ना जाए तब तक कलर नहीं किया जाता है, इसलिए मिट्टी जब अच्छे से सूख गया है उसके बाद कलर किया गया है। फिफ्थ डे इवनिंग, अच्छे से कलर करने के बाद धूप में जब ऑलरेडी कलर पक्का हो गया है तब इसको शाम को देखिए कितना कसरत करना पड़ रहा है, क्योंकि हाइट ही इतना लंबा है, 7 फीट लंबा माँ और इतना बड़ा, तो इतना जन लगा है माँ को मंडप तक पहुँचाने के लिए। तो अब यहाँ पे टोटल ऑल फिनिशिंग होगा। रात भर कम चल रहा है, रात भर में कंप्लीट हो जाएगा। रात भर में देखिए कितना काम हो गया है। माँ को आंख दान करना हो गया है, मुंड माला कलर हो गया है, माँ को ऑलरेडी साज दे दिया गया है। थोड़ा सा और काम बाकी है, कंप्लीट हो जाएगा। तो कल ही है काली पूजा। पंडाल बन के रेडी हो गया है, ऑल इज कंप्लीटेड। बट जस्ट माँ के पीछे जो बैक साइड में चाला रहता है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी दोपहर तक में लग जाएगा। तो आप लोगों को शाम का वीडियो दिखाती हूँ। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों से कही थी कि मैं इस बार काली पूजा में जाऊंगी चेतला एरिया घूमने के लिए, और वहां पे कितना किस्म का काली बनता है, क्या क्या होता है, तो सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन मतलब इतना बेकार हुआ, इस बार दुर्गा पूजा में भी 2 दिन लगातार बारिश हुआ और आज है काली पूजा, दिवाली दोनों ही एक साथ पड़ा है और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज भी क्या मतलब, आप लोग शायद न्यूज़ में देखे होंगे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के तरफ एक तूफान आने वाला था, तो अभी वो बांग्लादेश शायद गया है, लेकिन उसका इफेक्ट के वजह से यहाँ पे लगातार बारिश हो रहा है। और बारिश में कैसे करके जाऊँ, क्या करूँ, और इतना रात में घर में पूजा देने के बाद पाड़ा में भी पूजा चल रहा है, तो काली पूजा हो रहा है, उसके बाद हम लोग रात में निकलते हैं काली पूजा घूमने के लिए, लेकिन कैसे करके निकलूँ, अभी तक बारिश नहीं रुका है। तो मैं इस वीडियो में मतलब बता दे रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में काली पूजा वो मैं दिखा पाऊँगी भी कि नहीं दिखा पाऊँगी, आई डोंट नो, क्योंकि अभी ऑलरेडी रात का 11 बज चुका है, तो अभी भी जाने का टाइम है, लेकिन जा पाऊँगी कि नहीं वो मैं नहीं बता पा रही हूँ। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल
एंड हैप्पी दिवाली। दिवाली के लिए ये गिफ्ट तो आप लोग मुझे दे ही सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड हेल्दी। बाय बाय।